गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम टू थिंकाइज चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस घटना चक्र दृष्टि, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस 1 ईयर्स करेंट अफेयर्स फॉर UPSC एंड UPPSC प्रीलिम्स। लेट अस बिगिन द टॉपिक। आर्थिक परिदृश्य, करंट नोट्स, देश विदेश की आर्थिक महत्व की घटनाओं तथा आर्थिक संगठनों की गतिविधियों पर दृष्टिपात, राजकोषीय घटनाक्रम, रैंप RAMP, रैंप योजना। 30 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा MSME के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और गति प्रदान करने, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैंप पर 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 662.45 करोड़ रुपए के विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। रैंप के उद्देश्य देख लेते हैं। MSME कार्यक्रम से जुड़े संस्थानों और शासन गवर्नेंस को मजबूत बनाना, बाजार और ऋण तक MSME की पहुंच को बेहतर करना, केंद्र राज्य संबंधों और साझेदारियों को बेहतर करना, MSME को भुगतान में होने वाली देरी का समाधान करना, MSME को पर्यावरण के अनुकूल बनाना आदि। अब आगे देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 से प्रारंभ इस योजना की अवधि 5 वर्ष 2021-22 से 2025-26 है। इस योजना पर कुल व्यय 662.45 करोड़ रुपए यानी 808 मिलियन डॉलर का है, जिसमें से 3,750 करोड़ रुपए यानी 500 मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होगा। तो कर्ज कितना मिलेगा? 500 मिलियन डॉलर का। कहाँ से? वर्ल्ड बैंक से। तथा शेष 2,312.45 करोड़ रुपए 308 मिलियन डॉलर की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाएगी। इसे विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया है। किसको? रैंप प्रोग्राम को। रैंप रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैंप विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त को निम्नलिखित संकेतकों को पूरा करने हेतु व्यय किया जाएगा। राष्ट्रीय MSME सुधार एजेंडे को लागू करने में, MSME क्षेत्र के केंद्र राज्य सहयोग में तेजी लाने में, प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने में, MSME के लिए प्राप्य वित्त पोषण बाजार को मजबूत करने में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों तथा ग्रीनिंग एंड जेंडर डिलीवरी के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट की प्रभावशीलता बढ़ाने में, विलंबित भुगतान की घटनाओं को कम करने में, MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में सुधार एवं मजबूती हेतु UK सिन्हा समिति, KV कामत समिति तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सिफारिशें दी गई थीं। केंद्रीय बजट 2022-23 की बात कर लेते हैं। फरवरी 2022 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत बजट में कुल 39.45 लाख करोड़ रुपये का व्यय तथा 39.45 लाख करोड़ रुपए की प्राप्तियां अनुमानित हैं। कुल व्यय को यदि राजस्व और पूंजीगत व्ययों में बांटा जाए तो कुल व्यय में 80.98% राजस्व खाते पर जबकि मात्र 19.02% पूंजी खाते पर व्यय करने का अनुमान है। इसी तरह कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में 55.88% हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का है जबकि शेष 44.12% हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों का है। उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत सरकार की ना लौटाने योग्य प्राप्ति, जिसे आय भी माना जा सकता है, कुल बजट का 55.88% है जबकि अनुत्पादक व्यय 80.98% है। ऐसे में भारत में घाटे की स्थिति तो स्वाभाविक ही है। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट वर्ष 2022-23 के बजट में 16.61 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट अनुमानित किया गया, जो इसी वर्ष की अनुमानित GDP का 6.4% है। वर्ष 2022-23 हेतु अनुमानित भारत का राजकोषीय घाटा विगत वर्ष के संशोधित अनुमान 15.91 लाख करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 70.11 हज़ार करोड़ रुपए अधिक है। राजस्व घाटा रिवेन्यू डेफिसिट वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तुत बजट में 9.9 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है, जो वर्ष 2022-23 हेतु अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद GDP का 3.8% है। प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में प्रभावी राजस्व घाटा GDP का
2.6% अनुमानित है, जो पूर्व वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान से लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए कम है। प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा वर्ष 2022-23 में जीडीपी का मात्र 2.8% अनुमानित किया गया है। यह पिछले वर्ष 2021-22 के संशोधित प्राथमिक घाटे की तुलना में लगभग 56.75 हज़ार करोड़ रुपए कम है। अब व्यय के संघटक देख लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है व्यय? सबसे ज़्यादा हो रहा है करों और शुल्कों में, राज्यों का हिस्सा सबसे ज़्यादा ब्याज अदायगी में हो रहा है, तो 20% ब्याज अदायगी इंटरेस्ट पेमेंट में होगा। फिर करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा होगा 17%, 15% होगा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में। फिर उसके बाद 10% वित्त आयोग और अन्य अंतरण, 10%, 9% केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में, 9% अन्य व्यय में। फिर 8% होगा आर्थिक सहायता में, सब्सिडीज़ में, रक्षा में भी 8% होगा, पेंशन में 4% होगा। अब देख लेते हैं प्राप्ति के स्रोत 2022-23 के बजट में, तो सबसे ज़्यादा प्राप्ति कहाँ पर हो रही है? उधार एवं देयताएँ, तो उधार सरकार देती है, देता है उसको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं, कुछ पैसे लौटाने पड़ते हैं, तो उधार और देयताओं से या कुछ पैसे उसको मिलते भी हैं, कि जैसे श्रीलंका को इंटरेस्ट दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, नेपाल को दिया, श्रीलंका को दिया, बांग्लादेश को दिया, भूटान को दिया, मालदीव्स को दिया, तो इन सारी कंट्रीज़ को जो इंडियन ओशियन रीजन की हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हैं, तो उनको जितना ऋण देते हैं तो उसकी वजह से ब्याज भी मिलता है। तो उधार और अन्य देयताओं में 35% भारत को प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वस्तु एवं सेवा का GST 16%, तीसरे पे आता है निगम कर कॉरपोरेशन टैक्स 15%, चौथे पे आता है आयकर इनकम टैक्स 15%, पाँचवें पर आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये होता है 7%, छठे पे आता है कर भिन्न राजस्व 5%, सीमा शुल्क 5%, 5% के साथ ये पाँचवें नंबर पे, छठे में आता है ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 2%। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट देख लेते हैं क्या कह रहा है। कुल व्यय में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है, तो जो हमने अभी कुल व्यय देखे उसमें करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा इसमें शामिल है। कुल प्राप्तियों में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है, आंकड़ों को पूर्णांकित किया गया है, मतलब पॉइंट में नहीं लिखा गया, पूर्णांकित किया गया है, पूरी तरीके से अंकित हुए हैं। ब्याज भुगतान इंटरेस्ट पेमेंट, बजट 2022-23 में ब्याज भुगतान हेतु लगभग 9.41 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 8.1 लाख करोड़ रुपये से लगभग 16.17%, जबकि उसी वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 15.59% अधिक है। विगत वर्षों में ब्याज भुगतान राशि में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख मदों पर ब्याज 2022-23 के लिए प्रमुख मदों पर व्यय करोड़ रुपए में, पेंशन में कितना है 2,07,132 करोड़ रुपए, रक्षा में है 3,85,370 करोड़ रुपए, एजुकेशन में है 1,04,278 करोड़ रुपए, ऊर्जा में है 49,220 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य में है 86,606 करोड़ रुपए, गृह में है 1,27,020 करोड़ रुपए, ब्याज में है 9,40,651 करोड़ रुपए ब्याज में, ग्रामीण विकास में है 2,06,293 करोड़ रुपए, सामाजिक कल्याण में है 51,780 करोड़ रुपए, राज्यों को अंतरण है 3,34,339 करोड़ रुपए, परिवहन में है 3,51,851 करोड़ रुपए, शहरी विकास में है 76,549 करोड़ रुपए, कुल योग है 39.45 लाख करोड़ रुपीज़, तो 39,44,909 करोड़ रुपए। बजट अनुमान 2022-23 में प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन करोड़ रुपए में, तो 2022-23 का ही देखेंगे हम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 37,800 करोड़ रुपए,
जल जीवन मिशन 60,000 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 39,553 करोड़ रुपीज़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 19,000 करोड़ रुपीज़, पीएम किसान 68,000 करोड़ रुपीज़, आत्मनिर्भर भारत योजना, रोजगार योजना आत्मनिर्भर भारत 6,400 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 10,000 करोड़ रुपए। अब टैक्स की बात कर लेते हैं। सकल कर राजस्व जीडीपी का 10.7% है, प्रत्यक्ष कर जीडीपी का 5.5%, अप्रत्यक्ष कर जीडीपी का 5.2%। और बजट अनुमान 2022-23 का सकल कर्ज 27.58 लाख करोड़ रुपए है, प्रत्यक्ष कर 51.49% है, अप्रत्यक्ष कर 48.51% है। शीर्ष तीन कर राजस्व हैं, वस्तु एवं सेवा कर 7.8 लाख करोड़ रुपए, जीएसटी है, निगम कर कॉरपोरेशन टैक्स 7.2 लाख करोड़, आयकर इनकम टैक्स है 7 लाख करोड़। फिर राज्य को हस्तांतरित 8.17 लाख करोड़ रुपए, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि 6.4 हज़ार करोड़ रुपए, और केंद्र की शुद्ध कर आय 19.35 लाख करोड़ रुपए, तो इतना केंद्र को मिल रहा है। सब्सिडी है, कुल सब्सिडी 2021-22 की 487,871.82 करोड़ रुपए, तो 4.8 लाख करोड़ रुपीज़। और बजट अनुमान के हिसाब से 2022-23 में 355,638.61 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपीज़। उधर कितनी थी जो संयुक्त अनुमानित थी, जो 4.8 करोड़ रुपए थी, और बजट अनुमानित थी 3.5 करोड़ रुपए। सत्ताईस दशमलव 10% की कमी आई है 2021-22 से 2022-23 में। 96.33% खाद्य उर्वरक पेट्रोलियम एवं ब्याज भुगतान पर सब्सिडी मिलती है। खाद्य मद सब्सिडी 58.16%, यूरिया सब्सिडी 17.78%, पोषण आधारित सब्सिडी 11.81%, एलपीजी सब्सिडी 1.63%। तो सबसे ज़्यादा खाद्य में मिलती है, फिर उर्वरक, फिर पेट्रोलियम में। धन्यवाद।